आज की जो मेरी किचन टिप्स है वो मेथी को लेकर है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेथी को स्टोर कैसे करना है, मेथी को कैसे यूज़ करना है, इसे कैसे साफ़ करना है, कौन सी मेथी हमें लेनी चाहिए। हमें हमेशा मेथी छोटे और गोल पत्ते वाले लेनी चाहिए। इस मेथी में खुशबू भी अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। मेथी को स्टोर करने के लिए मेथी को सुखाना पड़ता है, तो आज की वीडियो में मैं मेथी को सुखाने के 4 यूनिक मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम मेथी के पत्ते अलग कर लेंगे, हमें केवल इसके पत्ते चाहिए। यदि कोई सड़ा गला पत्ता या पीले रंग का पत्ता या सफ़ेद धारियों वाला पत्ता है तो उस पत्ते को हम निकाल देंगे। इन पत्तों को अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेंगे। मेथी को वॉश करने के बाद एक लेंगे हम कॉटन का पिल्लो कवर, कोई भी पिल्लो कवर आप ले सकते हैं। वॉश की हुई मेथी को इस पिल्लो कवर में हम डाल देंगे। मेथी को पिल्लो कवर में डालने के बाद इसकी चैन को लॉक कर देंगे। तो अब मैं एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ जिससे ये मेथी झटपट से सूख जाएगी। इसे हम वॉशिंग मशीन में ड्राई करेंगे। इसे स्पिनर में डालकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। इसके लिए 15 मिनट का समय लगाएंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अब इस पिल्लो कवर को हम बाहर निकाल लेते हैं। पिल्लो कवर ओपन करते हैं और मेथी को चेक करते हैं और ये देखिए मेथी का सारा पानी निकल चुका है और ये एकदम ड्राई हो चुकी है। यदि इस प्रकार से वॉशिंग मशीन में मेथी का पानी निकाल लिया जाए तो मेथी बहुत जल्दी सूख जाती है। आप देख सकते हैं मेथी काफ़ी ड्राई हो चुकी है। पानी निकालने के बाद ये मेथी जल्दी से सूखे इसके लिए अब मैं उपाय बताती हूँ। सबसे पहले इसे हम माइक्रोवेव में सुखाएंगे। इसके लिए जो माइक्रोवेव में प्लेट होती है उस प्लेट को हम बाहर निकालेंगे और इस प्लेट के ऊपर इन पत्तों को हम रखेंगे। पत्तों को प्लेट के ऊपर रखने के बाद इस प्लेट को हम माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव में रखने के बाद 5 मिनट का समय लगाएंगे। बीच में एक बार आप इसे पलट भी सकते हैं। पांच मिनट का समय होने के बाद इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं मेथी काफी ड्राई हो चुकी है और ये देखिए 5 मिनट में ही मेथी सूख चुकी है। इसे अब हम स्टोर कर सकते हैं। इसकी आवाज़ आप सुनिए, ये कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। इसे हम पाउडर बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं और मेथी के इस पाउडर का हम यूज़ रायते में कर सकते हैं, लस्सी में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसे हम स्टोर कर सकते हैं और मेथी का ये पाउडर कभी भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं सबके पास माइक्रोवेव हो। तो अब मैं बताती हूँ इसका दूसरा तरीका। इसके लिए हम लेंगे एक मिट्टी का तवा। मिट्टी के तवे को हम फुल गर्म करेंगे। जब ये तवा फुल गर्म हो जाए उसके बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और मेथी के पत्ते को इस तवे के ऊपर डाल देंगे और 3 मिनट के लिए इन पत्तों को कवर करेंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है। तीन मिनट के बाद इन पत्तों को चेक करेंगे और ये देखिए पत्ते काफी ड्राई हो चुके हैं। अब 1 से 2 मिनट के लिए इन पत्तों को अलट पलट करेंगे। कुछ ही देर में ये पत्ते एकदम ड्राई हो जाएंगे।
पत्ते काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे माइक्रोवेव से सुखाए हुए पत्ते और दूसरे पत्ते हैं मिट्टी के तवे पर सुखाए हुए। इनकी आवाज़ भी आप सुनिए, ये भी क्रिस्पी हो चुके हैं। दोनों ही मेथड से हम मेथी को सुखा सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी के तवे पर हम सुखाते हैं वो पत्ते थोड़े से काले पड़ सकते हैं, लेकिन जो हम माइक्रोवेव में सुखाते हैं वो ग्रीन ही रहते हैं। इन मेथी के पत्तों को सुखाने का जो थर्ड मेथड है वो पारंपरिक है। किसी भी कॉटन के कपड़े या किसी भी प्लास्टिक की पन्नी पर आप इसे धूप में डालकर सुखा सकते हैं। क्योंकि इनका पानी निकल चुका है तो इन्हें सुखाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इन्हीं मेथी के पत्तों को सुखाने का फोर्थ मेथड है, कोई भी बर्तन लेंगे और इसमें हम रखेंगे बटर पेपर और इस बटर पेपर पर पत्तों को हम सुखाएंगे। बटर पेपर पर इन पत्तों को डालकर 4 से 5 घंटे के लिए हम पंखे के नीचे रखेंगे। 5 घंटे के बाद आप सबसे मिलती हूँ। 5 घंटे के बाद देखिए, ये पंखे के नीचे हमने पत्ते सुखाए हैं जो काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं। और ये पत्ते वो पत्ते हैं जिन्हें हमने धूप में सुखाया है, ये भी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। यदि हम इन मेथी के पत्तों को वॉशिंग मशीन में से पानी निकाल कर नहीं सुखाते तो इन्हीं पत्तों को सूखने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। 3 से 4 दिन तक ये पत्ते ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिससे इनमें डस्ट इंसेक्ट चले जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इन्हीं मेथी के पत्तों को यदि वॉशिंग मशीन में से पानी निकाल कर सुखाते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इन्हें सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। एक दिन में ही ये कंप्लीट रूप से सूख जाते हैं और उसी दिन इन्हें हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको मेरी ये किचन टिप्स कैसी लगी, प्लीज़ कॉमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।